और ये जो हम लोगों ने लोगों को खानों में बांटने के लिए और लोगों को अलग अलग करने के लिए एक पूरा मिशन चला रखा है, और इसका असल जो बुनियादी मकसद है, सबके पीछे सोचने के जो अंदाज है, लोग अपना अपना फायदा चाहते हैं, लोग सियासत करके रोटी सेकना चाहते हैं, उसके जरिए से वो इस कदर आगे बढ़ना चाहते हैं कि उनको फिर ख्याल ये नहीं होता कि उनको लाशों पर से गुजरना पड़ेगा, उनको कितने खून करने पड़ेंगे, उनको इस मुल्क की खुदी को इसकी इज्जत को पामाल करना पड़ेगा, और न जाने क्या क्या उनको खेल खेलने पड़ेंगे। उनको सिर्फ इतना याद रहता है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें कैसे हुकूमत मिल सकती है, कैसे इज्जत मिल सकती है, हमें दौलत किस तरह हासिल हो सकती है। मेरे भाइयों, ये मिजाज जो बिगड़ कर रह गया है और ये मादियत जो हमारे मिजाज में दाखिल हो गई है, इसको बदलने की जरूरत है। ये पैसा जो अपने हाथों से हम ढालते हैं, ये पैसे जो सरकारी जो सरकारी खजानों में तैयार किए जाते हैं मशीनों में, आज ये पैसा सब कुछ हो जाए, आज कोई बेचारा जाता है ऑफिस में, बेचारा कमजोर है, गरीब है, वहां जाने के बाद वो देखता है कि अगर हमारे जेब के अंदर पैसा नहीं है, हमारा काम नहीं हो सकता। और जो चालाक लोग होते हैं, हमारे मौलाना ने उसका उदाहरण दिया, उसको बयान किया कि वो नोट ऐसा रखते हैं कि आधा आधा अंदर होता है जेब के और आधा नजर आता है, ताकि जो ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं कोई समझ ले कि मुश्किल कुशा मौजूद है। ये कौन सी जिंदगी है कि वो जो शख्स आया बेचारा कमजोर, उसकी पेशानी पर पसीना है, उस पर कतरात है पसीने के, उसका दिल धड़क रहा है, उस पर उसकी निगाह नहीं है, उसकी निगाह उस नोट पर है जिसको अपने हाथों से हम ढालते हैं। मौलाना ने कहा कि वो नोट है जिसको पैरों तले कुचलना जानते हैं। हमारे हमारे यहाँ जो असल कीमत है वो इंसानियत की कीमत है, उस मोहब्बत की कीमत है, उस धड़कते हुए दिल की कीमत है जो हर इंसान के दिल में धड़क रहा है, इंसान के सीने में धड़क रहा है। मेरे भाइयों, इस वक्त इसकी जरूरत है। इस तरह जो दूरियां पैदा की जा रही हैं और इसके लिए आदमी अपने फायदे चाहता है, हम एक दूसरे से मिले, हम एक दूसरे को समझें। और हमारे मौलाना एक बात कहते थे, अपनी दीवारों को छोटी करो, अपने घरों की दीवारों को छोटी करो, ताकि तुम हमें देखो, हम तुम्हें देखें। ये दीवारें जो इतनी ऊंची कर ली गई हैं कि हम एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते, बल्कि हम देखना नहीं चाहते, ये हमारे लिए खतरनाक बात है। हमारे अंदर क्या पक रहा है, हमारा दिमाग क्या काम कर रहा है, हम अपने दोस्त को दुश्मन समझ रहे हैं और हम उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि हमारे लिए खतरा है। हम ये नहीं जानते कि इसका दिल हकीकत में हमारे लिए धड़क रहा था, ये वो इंसान था जो इंसानियत की खातिर जीना जानता था, जीना चाहता था, लेकिन उसको जीने नहीं दिया गया। हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अपने घरों की दीवारों को छोटा कीजिए, इतना छोटा ना कीजिए कि बाद में दीवारें खत्म हो जाएं और दूसरे सरहदों के झगड़े शुरू हो जाएं। दीवारें आप बाकी रखिए, आपका तरीका आपका, हमारा तरीका हमारा, वो दीवारें आप बाकी रखिए, अपने अपने तरीके पर अमल कीजिए, लेकिन दीवारों को छोटा कीजिए ताकि एक दूसरे को समझने में हमें मदद मिले। और ये जिम्मेदारी पूरे इस मुल्क के रहने वालों की है। मैं तो कहता हूँ, ये मुल्क के रहने वाले कौन है, इसी मुल्क का हिस्सा है, इनकी ताकत, इनकी एनर्जी, हमारे नौजवान ये मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख या ईसाई हो, ये क्या है, इस मुल्क का हिस्सा है। हमारी ये ताकत अगर इस मुल्क के लिए आगे बढ़ेगी, हम सब मिलकर अपनी एनर्जी को इस मुल्क को आगे बढ़ाने में लगाएंगे, ये मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और अगर हम सिर्फ लड़ते रहेंगे, अपनी सलाहियतों को इसी में जाय करेंगे, तो हकीकत में कोई भी कमजोर हो या उसको कमजोर किया जाए, वो किसी मजहब का हो, वो किसी जाति का हो, मैं साफ कहता हूँ कि इस मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है। आप किसी कमजोर को कमजोर कर रहे हैं, आप ये ना समझे कि बेचारा मामूली आदमी है, हमने गोया कि उसको कमजोर कर दिया, उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई, हम उसकी दौलत पे कब्जा कर लें और हम उसको उसकी जितनी चीजें हैं वो सब ले लें। हमें समझना चाहिए कि वो इसी मुल्क का एक हिस्सा है, हमने उसको कमजोर किया तो हकीकत में इस मुल्क को कमजोर